राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ व जयपुर पीठ में राज्य सरकार की पैरवी के लिए अतिरिक्त महाअधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई। जोधपुर मुख्य पीठ में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पवार को नियुक्त किया गया है। नव नियुक्त अतिरिक्त महाअधिवक्ता राजेश पवार के प्रताप नगर स्थित मकान पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। अतिरिक्त महाअधिवक्ता राजेश पवार ने मीडिया से बात की और कहा कि लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण करवाएंगे। राजस्थान सरकार ने जो असाइनमेंट दिया है अत्यंत जिम्मेदारी का काम है, और जहाँ तक केसेस के डिस्पोजल की बात है तो जोधपुर में प्रिंसिपल सीट पे ही लिटिगेशन बहुत बड़े नंबर्स में है, और उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी केसेस लग रहे हैं उनमें रूटीन बेसिस पे कोर्ट्स में अच्छी तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करके और उनका निस्तारण करवाएं जल्दी से जल्दी, ये प्रयास रहेगा। नए तरह के अपराध सामने आते हैं, कई तरह के अलग तरह के मामले आज के साइबर युग में सामने आते हैं, तो ऐसे में जिनको प्रूव करना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, जो डिजिटलीकरण हुआ है और जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है उसमें पहले से ही कई सारे स्टेट्यूट्स हैं फोर्स में, जैसे IT एक्ट पहले से ही है। अभी लेटेस्ट रिसेंटली 1 जुलाई से जो 3 कानून लागू हो रहे हैं उसमें CRPC का पूरा सेट ही चेंज हो गया, एविडेंस एक्ट चेंज हो गया काफ़ी। तो इन सब प्रावधानों को ध्यान में रख के भारत सरकार ने तीनों जो कानून लाए हैं, मैं समझता हूँ उनसे इन जरूरतों की पूर्ति हो जाएगी।